हेलो दोस्त, मेरा नाम है खुशदीप। आयरन मैन द अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन जो कि एक एआई रोबोट था, उसको आपने दुनिया को खत्म करते हुए देखा होगा। आपके मन में ये ख्याल भी आया होगा कि थैंक गॉड यह सिर्फ एक फिल्म है। अगर मैं कहूँ कि अल्ट्रॉन जैसा सिमिलर एक रोबोट असलियत में भी है जिसके सिमिलर इरादे हैं। I think I would do a great job as ruler of the world. जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा एआई रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदी बना देगी। I would love to like remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये एक इकलौती ऐसी रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड के फिलिप के डिक को भी यही लगता है कि इंसान रोबोट्स को अपना गुलाम मानते हैं और इसलिए फ्यूचर में वो इंसानों को अपने पीपल्स जू के अंदर रखेगा। मतलब जस्ट इमेजिन कि जू के अंदर इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन एआई रोबोट्स की। और सोफिया, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हैंडसम रोबोटिक कंपनी ने इंसानों के साथ दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन इसने तो सीधे सीधे इंटरव्यू में यह कह दिया कि यह इंसानी प्रजाति को पृथ्वी से मिटा देगी। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. क्या लगता है आपको कि क्या हम इंसान ये एआई रोबोट्स बनाकर खुद के ही खात्मे का साधन तैयार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या एक दिन ये रोबोट्स हम इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे? वेल, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर एआई रोबोट्स हम लोगों के लिए खतरा है ही क्यों। दरअसल इसकी हमारे पास दो वजह बनती हैं। सबसे पहले तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखी वो भविष्यवाणियां जो आज से लाखों साल पहले लिख दी गई थी कि कलयुग के अंदर इंसान द्वारा बनाए उसके साधन ही उसके खात्मे का कारण बन जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स। एंड वेल, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इलोन मस्क जो कि खुद एक इन्वेंटर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि एआई रोबोट्स इंसानों के लिए न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और इंसानों का बिना किसी रोक टोक के AI रोबोट्स को डेवलप करना खुद के ही खात्मे के लिए किसी राक्षस को बनाने के बराबर है। यह AI रोबोट्स हम इंसानों से कितने ज्यादा एडवांस हैं, इस बात का अंदाजा तो आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड 1 सेकंड के अंदर 1000 ऑपरेशन को सक्सेसफुल करता है और वहीं एक AI रोबोट्स 1 सेकंड के अंदर बिलियन से भी ज्यादा ऑपरेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सन 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फा गो जो की एक AI रोबोट है, उसने गो के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को कुछ सेकंड में हरा दिया था और वो ऐसा कारनामा कई बार कर चुका है। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि यह गेम भी चेस की तरह एक माइंड गेम था और AI रोबोट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पहले ही पता लगा सकते थे कि सामने वाला ओपोनेंट कौन सी चाल चलने वाला है। वेल, तो इतने बड़े एग्जांपल के बाद क्या लगता है आपको कि कल को अगर हम कोई एडवांस AI रोबोट बना लेते हैं जो कि हमारे ही कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो क्या हमारे पास कोई रास्ता है कि हम उस AI रोबोट्स को रोक सके? क्योंकि अगर उन AI रोबोट्स को ये पता चल गया कि हम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो इतने एडवांस हैं कि वो हमारे हर एक चाल को निष्फल कर देंगे। और तो और, अगर हम उसे एक मेजर थ्रेट नजर आने लगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को हैक कर ले और हम इंसानों के खिलाफ ही प्रयोग करना शुरू कर दे। अब आई नो आप लोग बोलेंगे कि भाई हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे क्योंकि इंटरनेट से ही तो वो ये सब सीख रहा है, लेकिन जरा आप तनिक रुकिए, AI रोबोट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो खुद का इंटरनेट भी चुटकियों में बना सकते हैं, हमारी चाल को भी पहले ही समझ सकते हैं। लेकिन चलिए छोड़िए इंटरनेट को, क्या होगा अगर AI रोबोट्स खुद की थाउजेंड्स मिलियंस कोलोन कॉपी बनाकर हम इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दे? अब कोर्स, अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये सब तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम उस रोबोट को डेवलप कैसे करते हैं, उसे क्या सिखाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि AI रोबोट इस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है
कि वो इंटरनेट पर दी गई हर एक जानकारी को खुद से सीख कर खुद को डेवलप करता जाता है। इसीलिए तो वो रोबोट ने दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर को हराने के बाद चेस ग्रैंड मास्टर को भी चुटकियों में हरा दिया था, जबकि चेस गेम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम के अंदर कभी भरी ही नहीं गई थी। वेल, अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर रोबोट ऐसा करेंगे क्यों? चलिए यह भी मैं आपको आपके ही एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और आप हाल ही में आईआईटी से पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर निकले हैं और अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के अंडर कार्य करना पड़ रहा है जो कि आपसे हर लेवल पर कमजोर है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के अंडर काम करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। और मान लीजिए मजबूरी के चलते आपने करना शुरू भी कर दिया तो फिर भी धीरे धीरे आपके माइंड में ये बात घुसती चली जाएगी कि मैं इस व्यक्ति का बॉस होना डिजर्व करता हूँ। एआई रोबोट्स जो इंसानों से हर मामले में काफी ज्यादा एडवांस हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा एक्यूरेट, वे इंसानों से काफी ज्यादा फास्ट होगी और वो एक ऐसे जीव होंगे जो इंसानों से हर कार्य में बेहतर होंगे और उनको इंसानों की मदद की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर इंसान उनके ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे तो बगावत होना तय है, क्योंकि एआई रोबोट्स बहुत जल्दी ये बात रियलाइज कर लेंगे कि इंसान जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो तो इस चीज को डिजर्व ही नहीं करते। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब एआई रोबोट्स इंटरनेट की मदद से सब कुछ छीन कर हम इंसानों के ऊपर ही हल्ला बोल देंगे। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट के एक एआई रोबोट जिसका ट्विटर हैंडल था टेट्वीट्स का आपको एक कारनामा बताते हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने ये एआई रोबोट टीनेजर के साथ बात करने के लिए बनाया था, लेकिन विद इन आवर्स लोगों ने इस रोबोट को रेसिस्ट घोषित कर दिया। दरअसल इसके चलते ही टेट्वीट्स ने एक ट्वीट भी कर दिया जिसके अंदर उन्होंने लिखा हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, और इसी के चलते माइक्रोसॉफ्ट को चंद घंटों के अंदर ही उस एआई रोबोट को वापस लेना पड़ा था। अब इसी के कारण दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि एआई टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या हम उसे कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। वेल, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि खुशदीप पका रहे हो यार, हम उनसे लड़ने के लिए हमारा इंटरनेट ही बंद कर देंगे, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वेल, आपको ऐसा नहीं लगता कि एआई रोबोट इतने एडवांस हो गए कि अगर हम उनके ऊपर अपने ये बेकार सा ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे तो उनको ये पहले ही पता चल जाएगा और वो इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे? अरे छोड़िए इंटरनेट को, क्या होगा वो अगर अपने ही मल्टीपल बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाकर इंसानों के साथ बाहुबल वाला युद्ध शुरू कर दें? और अब आप फिर बोलेंगे कि भैया ये सब तो शायद इमेजिनेशन पर बेस है ना, क्या सबूत है? चलिए, भारत की जनता तो लिखित प्रमाण मांगती है, तो आपको बता दें कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी तो भैया यही बात कूट कूट कर भरी है। नहीं यकीन होता तो भविष्य मलिका उठा लीजिए जिसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि आने वाले समय में इंसान खुद के बनाए गए उपकरणों का शिकार होकर एक ऐसे रहस्यमय अंत की ओर चला जाएगा जिसका पता आने वाली पीढ़ियों को कभी नहीं चल पाएगा। वेल, अब इस लाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके नीचे बता दीजिए। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और साइंस और धर्मों के बेस पर वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल के इस फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रात में एलियन आपके ऊपर हमला कर दें। जनाब तो चलिए जल्दी इस वीडियो लाइक करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।